बहुत सुंदर कमजोर है। सभी लोग यही पूछ रहे हैं किस तरह का अनुभव है, और हम बता ही नहीं पा रहे कि अनुभव को कैसे व्यक्त करें, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों में बांधे नहीं जा सकते, उसके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि ये जो उपलब्धि है, ये हिंदू समाज के अदम्य साहस की उपलब्धि है, 500 साल के संघर्ष की उपलब्धि है, सत्य के प्रति निष्ठा के साथ डटे रहने के साथ साथ सदियों पीड़ा को भोगना, क्लेश भोगना, संयम रखना, बलिदान देना, वो अदम्य साहस जो हिंदू जाति का रहा। लेकिन अपने ही घर में 500 साल तक अपने ही आराध्य के लिए इतना संघर्ष और न्यायालय की प्रक्रियाओं से गुजरना, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है समाज के सामने। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और सारे मंथनों में से, सारी प्रक्रियाओं और सारी परीक्षाओं से गुजरकर जो उपलब्धि आज समाज को हुई है, वो अनिर्वर्णीय है, अनिर्वचनीय है, शब्दों से परे है, परमानंद है, बहुत आनंद है। और पूरे हमारी आराध्य, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा हमारे राम जी का ही मंदिर नहीं बन रहा, हमारे खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, इसका बहुत बड़ा आनंद। राजनीतिज्ञ तो राजनीति करेंगे ना भैया, अब क्रिकेटर तो क्रिकेट ही खेलेगा, लेकिन भगवान के लिए राजनीति से ऊपर उठो, सारा समाज एकजुट हो जाओ, एक तो इतिहास रचो कि हम सब प्रभु के लिए एक हैं, प्रभु के लिए एक स्वर उठने चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा की लड़ाई नहीं है, ये भारत के समाज ने 500 साल तक अपने आराध्य के लिए किया गया संघर्ष है। इसीलिए भारत की सफलता के साथ भारत के पुत्र खड़े हों, राजनीतिज्ञ खड़े हों, सामाजिक संस्थाएं खड़ी हों, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं खड़ी हों, इसलिए इसको पार्टी की लड़ाई ना बनाइए, ये भारत ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, 500 साल बाद ये सफलता मिली है। उत्सव सब मनाओ, कड़वाहट और कसैलापन शोभा नहीं देता। बहुत सुंदर।